गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर पे एक सीरीज, जिसमें हम थियोरी के साथ साथ इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको वेंटिलेटर के पास ले जाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कैसे सेटिंग करते हैं, कैसे ट्रबल शूट करते हैं, कैसे ग्राफ देखते हैं, कैसे स्केलर्स और लूप्स देखते हैं। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए ये मैं कई पार्ट्स में बनाऊंगा। तो चलिए पार्ट वन की तरफ। पार्ट वन में मैं बेसिक फंक्शंस और इसके जो बेसिक मोड्स होते हैं क्या क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। वेंटिलेटर करता क्या है? आप ये मान के चलिए कि ये एक साइकिल की पंप की तरह होती है, जो कि प्रेशर से हवा अंदर पुश करती है। सेम थिंग वेंटिलेटर करता है। तो ये पेशेंट से एक एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रकेस्टोमी ट्यूब के थ्रू जुड़ा होता है, और जो बाहर की एयर होती है, जिसमें कि ऑक्सीजन भी होती है, अदर गैस भी होती है, उसको ये कंप्रेस करके प्रेशर से अंदर देता है। तो बाहर से प्रेशर लगाएगा, जिससे क्या है कि जो वॉल्यूम होगा वो अंदर बढ़ जाएगा। तो ये एक प्रेशर से एयर पुश करता है, बस इतना ही काम करता है। कब पुश करेगा? इंस्पिरेटरी फेज में, क्योंकि एक्सपिरेटरी पैसिव होती है, चाहे पेशेंट वेंटिलेटर पे हो चाहे ना हो, एक्सप्रेशन पैसिव ही होना है इसमें। और नॉर्मल रेस्पिरेशन में फर्क क्या है? नॉर्मल रेस्पिरेशन एक नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता है। इसका मतलब हमारी बॉडी या लंग्स अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, बाहर पॉजिटिव प्रेशर होता है, और प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से बाहर से हवा अंदर जाती है। लेकिन मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है, ये पॉजिटिव प्रेशर देता है, मतलब ये पॉजिटिव प्रेशर जो बाहर होता है प्रेशर पॉजिटिव कर देता है और अंदर नॉर्मल है। तो प्रेशर ग्रेडियंट बाहर से अंदर की तरफ एयर पुश करता है। इसके इंडिकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं? जैसे कि पेशेंट अगर एआरडीएस में है, तो एआरडीएस में क्या होता है, जो एल्वोलाई होते हैं उनमें क्या है, फ्लूड बढ़ जाता है। तो इससे क्या है कि वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाता है, जो एयर आती है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, ब्लड वेसल तक नहीं पहुँच पाती। तो इसे क्या बोलते हैं, शंटिंग बोलते हैं। यहाँ पर ब्लड आ रहा है, वीनस ब्लड, और बिना ऑक्सीजन लिए यहाँ से बाहर चला जाता है, ये वीनस ब्लड ही रहता है, तो शंटिंग होती है। तो ऐसे में वेंटिलेटर देने से क्या होता है कि इसमें एयर पुश करता है और इसको खोल देता है, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। दूसरा इंडिकेशन क्या है, यहाँ पे वेंटिलेशन फेल हो जाए, दैट इज टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर हम देखें तो एल्वुलर वेंटिलेशन क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम इंटू रेस्पिरेटरी रेट। अगर किसी पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम गिर जाए, कब गिरेगा, तब उसका वेंटिलेशन ठीक से नहीं होगा। जैसे कि पहले बताया था कि वेंटिलेशन में कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे सेंट्रल ड्राइव, दूसरा चेस्ट वॉल की मसल, डायफ्राम एंड लंग्स। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो चेस्ट नॉर्मल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नहीं करेगा। तो अगर सेंट्रल ड्राइव कम हो जाए तब वेंटिलेशन कम हो जाएगा। मैकेनिकल डिफेक्ट मतलब लंग्स के चारों तरफ जो मसल्स हैं, जो कि इंस्पिरेशन में काम आती है, वो वीक हो जाए, तब वेंटिलेशन फेलियर हो जाएगा, जैसे न्यूरोमायोपैथी, डायफ्राम वीकनेस। मसल फटी हो जाए, जैसे क्या है कि मान लो पेशेंट को हाइपोक्सीमिया है, तो उस हाइपोक्सीमिया को ठीक करने के लिए चेस्ट की मसल जो जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, आप देखा होगा जैसे आप दौड़ते हैं तो आपको रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, टैकीपनिया हो जाता है, जिसमें क्या है कि मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट करती है, बार बार रिलैक्स होती है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि ऑक्सीजन पूरा हो जाए। जब कोई मसल बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी तो फटीग में चली जाती है, मतलब काम करना बंद कर देती है। इससे क्या होगा, मसल फटीग में जाएंगी, वेंटिलेशन फेलियर हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को वेंटिलेशन फेलियर होने से पहले ही अगर आप वेंटिलेटर सपोर्ट दे देंगे तो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में नहीं जाएगा। यही है इंक्रीज ब्रेक ऑफ ब्रीदिंग, इम्पेंडिंग फेलियर।
जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था वो इम्पेंडिंग फेलियर का है, जैसे आईएलडी एक्यूट एग्जैजरेशन ऑफ सीओपीडी। तो ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए जो चेस्ट वॉल मसल्स हैं और जो लंग्स हैं उसको ताकत लगानी पड़ेगी और अल्टीमेटली वेंटिलेशन फेलियर में चला जाएगा। अब वेंटिलेटेड ब्रेथ देता कैसे है? दो टाइप से दे सकता है, या देता एक ही टाइप से, दो तरीके से पढ़ सकते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे नॉर्मल इंसान को लगभग 500 ml की टाइडल वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है इन ईच ब्रेथ, ओके। और 500 ml जब एल्वियोलाई पहुंच जाएगा उसमें ये जो प्रेशर होता है वो 20 mm 20 सेंटीमीटर वाटर का होता है। तो आप दो चीज सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप वेंटिलेटर से कह दीजिए कि मुझे 500 ml एयर चाहिए लंग्स के लिए, तो वो 20 प्रेशर देगा जिससे कि 500 ml वॉल्यूम पहुंच जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप प्रेशर बता दीजिए वेंटिलेटर को कि हमें जो ब्रेथ चाहिए उसका प्रेशर 20 होना चाहिए, तो वेंटिलेटर बाहर से हवा लेगा और 20 के प्रेशर से अंदर पुश कर देगा। तो कितनी एयर अंदर पुश होगी? 500 ml, क्योंकि 500 ml पुश करने के लिए वेंटिलेटर को 20 प्रेशर देना पड़ेगा, और वाइस वर्सा 500 ml पुश करने के लिए वेंटिलेटर को 20 सेंटीमीटर वाटर का प्रेशर लगाना पड़ेगा, और 20 प्रेशर जनरेट करने के लिए 500 ml एयर पुश करनी पड़ेगी। तो कैसे भी इसको पढ़ सकते हैं। अब इसके बेसिक मोड्स क्या क्या होते हैं? कंट्रोल मोड और अदरवाइज कॉल्ड मैंडेटरी मोड। तो कंट्रोल मोड क्या होता है कि सारा के सारा कंट्रोल वेंटिलेटर करेगा, पेशेंट को कोई जरूरत नहीं है, पेशेंट पैरालाइज है या उसको पैरालिटिक इंजेक्शन दिया गया है, पेशेंट अपना कोई एफर्ट नहीं दिखाएगा, जो भी ब्रेथ जाएगी वो वेंटिलेटर देगा। ये दो तरीके से दे सकता है, वॉल्यूम कंट्रोल प्रेशर कंट्रोल। आप वॉल्यूम सेट कर दीजिए तो वेंटिलेटर वॉल्यूम देगा जिससे कि प्रेशर जनरेट होगा। दूसरा है प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल में क्या है कि आप वेंटिलेटर से कह दीजिए कि प्रेशर देगा जिससे क्या है कि वॉल्यूम जनरेट होगा। तो वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन। एक होता है असिस्ट कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि पेशेंट इज अलाउड टू इनिशिएट हिज ब्रेथ। पेशेंट ट्रिगर करेगा और जो ट्रिगर है मशीन समझ जाएगा कि पेशेंट सांस लेना चाहता है, ट्रिगर आ रहा है उसका, तो पेशेंट ट्रिगर करेगा और वेंटिलेटर सांस दे देगा। पेशेंट ट्रिगर करेगा, वेंटिलेटर सांस दे देगा, ओके। तो इनिशिएट पेशेंट करता है, हेल्प उसकी वेंटिलेटर करता है। अगेन इसमें भी वॉल्यूम कंट्रोल प्रेशर कंट्रोल, ये दोनों मोड वेंटिलेटर में एक ही सेटिंग में होते हैं कि अगर पेशेंट सांस नहीं ले रहा है तो कंट्रोल मोड बन जाएगा, अगर पेशेंट सांस ले रहा है तो असिस्ट कंट्रोल मोड बन जाएगा। तीसरा होता है SIMV, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। जो असिस्ट कंट्रोल मोड था उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि पेशेंट अगर बहुत ज्यादा सांस ले रहा है, मान लो पेशेंट से फॉर एग्जाम्पल आस्थमा का पेशेंट है, एक्यूट सीवियर आस्थमा का, उसकी रेस्पिरेटरी रेट 50 चल रही है, तो 50 टाइम्स वेंटिलेटर उसको ब्रेथ देगा, तो जिससे क्या है कि उसका जो मिनट वेंटिलेशन है जिसमें क्या होता है टाइडल वॉल्यूम इंटू रेस्पिरेटरी रेट, तो सोचो अगर किसी का 50 टाइम्स अगर उसको ब्रेथ दे रहा हो विद द रेट ऑफ 500 ml जो कि आपने सिलेक्ट किया है वॉल्यूम कंट्रोल में, तो कितना हो जाएगा? 25 लीटर। तो उसका फेफड़ा वैसे ही फट जाएगा, लंग इंजरी हो जाएगी। तब ये फिर मोड आया SIMV। तो SIMV क्या होता है कि इसमें हम सेट करते हैं मैंडेटरी वेंटिलेशन रेट, से फॉर एग्जाम्पल 15 सेट कर दिया, 15 रेट सेट कर दिया पर मिनट। इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में 15 टाइम्स ये ब्रेथ देगा, मतलब हर 4 सेकेंड में एक ब्रेथ देगा, चाहे वो वेंटिलेटर दे अपनी, चाहे वो पेशेंट इनिशिएट करे, हर 4 सेकेंड में एक ब्रेथ देगा, हर 4 सेकेंड में एक ब्रेथ देगा। इन बिटवीन अगर पेशेंट ब्रेथ लेता है
तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, दैट इज SIMB। अब ये कॉम्बिनेशन में आता है प्रेशर सपोर्ट के साथ में, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 15 ब्रेथ दे रहा है वो तो देगा ही, साथ में जो पेशेंट का अपनी ब्रेथ आ रही थी इन बिटवीन, उसमें भी ये प्रेशर सपोर्ट कर देगा। से फॉर एग्जांपल आपने प्रेशर सपोर्ट सेट कर दिया 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का, तो मतलब जो स्पॉन्टेनियस ब्रेथ आ रही है, ये स्पॉन्टेनियस ब्रेथ आ रही है, इसमें वो 8 का प्रेशर भी दे देगा। तो आप ये अंदाज करिए कि 15 तो एक कंट्रोल ब्रेथ देगा जो आपने सेट की है, और बाकी ब्रेथ अगर ले रहा है तो उसमें 8 सेंटीमीटर और ऐड कर देगा। अगला मोड होता है प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, इसमें क्या होता है कि पेशेंट सांस अपनी लेगा लेकिन इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इनफ टाइडल वॉल्यूम दे सके। से फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट की रिक्वायरमेंट 500 ml की है, पर लेकिन पेशेंट अपने आप से 300 ml ले पा रहा है, तो प्रेशर सपोर्ट क्या करेगा कि उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा। से फॉर एग्जाम्पल 8 सेंटीमीटर वाटर का सपोर्ट कर देगा, तो इसके बाद ब्रेथ कितनी हो जाएगी 500 ml। कैसे कि 300 ml अपनी ले रहा है और 8 आपने सपोर्ट कर दिया ईच ब्रेथ के साथ, पर इसमें कंडीशन क्या है कि पेशेंट खुद अपना ट्रिगर करेगा। तो ये हो गया प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। वॉल्यूम सपोर्ट वेंटिलेशन क्या होता है कि ये सेम प्रेशर सपोर्ट की तरह है, पर इसमें बजाय 8 सेंटीमीटर वाटर के इसमें हम सेट कर देंगे 200 ml। तो पेशेंट अपने कितना ले रहा है 300 ml, और वॉल्यूम सपोर्ट में आपने दे दिया 200 ml, टोटल हो गया 500 ml। तो इस तरह से हम सपोर्ट कर रहे हैं, सारी सांस पेशेंट ले रहा है, बस उसको हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं थोड़ा सा ताकि पेशेंट का काम चल जाए। एक और मोड होता है PRVC, ये डुअल मोड होता है, ये होता है प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल मोड। मतलब इसमें आप टाइडल वॉल्यूम सेट करेंगे 500 ml, तो इतना तो देगा ही, पर इसको देने में जितना मिनिमम प्रेशर चाहिए उतना ही वेंटिलेटर यूज करेगा। जैसे जो पहली ब्रेथ होगी वो उसमें ये वेंटिलेटर असेस कर लेगा कितना मिनिमम प्रेशर चाहिए 500 ml को डिलीवर करने में, उसके बाद वो उतने ही प्रेशर पे 500 ml देगा। तो इससे क्या है, प्रेशर लोअर साइड में रहता है, इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, लेकिन ये आजकल नया मोड है। तो इस पार्ट में बस इतना ही, थैंक यू।